नमस्कार, सिरोही जनसमय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रेखा जंगीर चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। राम कर्मचारी महासंघ के प्रदेश मंत्री मनोनीत, वार्षिक उत्सव के दौरान विद्यार्थियों को दी विदाई। कोरोना वायरस के बारे में किया जागरूक, महिला दिवस पर किया महिलाओं का सम्मान और महिला सशक्तिकरण का 140 दिवसों तक फैलाया प्रकाश। अब समाचार विस्तार से। राव कर्मचारी महासंघ के प्रदेश मंत्री मनोनीत भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय सिंह धाकड़ ने वरिष्ठ कर्मचारी व शिक्षक नेता राव गोपाल सिंह कोसलिया को सह प्रदेश मंत्री मनोनीत किया। महासंघ के जिलाध्यक्ष दशरथ सिंह भाटी के अनुसार राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ राज्य का सबसे बड़ा संगठन है। वरिष्ठ नेता गोपाल सिंह ने लगातार 21 वर्ष से कर्मचारियों के हितों को लेकर सतत संघर्ष किया है। रावत से पूर्व शिक्षक संघ रेवदत्त, तहसील अध्यक्ष, जिला सचिव, 7 वर्ष लगातार जिला मंत्री, जिला संगठन मंत्री, संभाग संगठन मंत्री रह चुके हैं। शिक्षक संघ के आजीवन सदस्य एवं अनेकानेक जिलों के प्रभारी रह चुके हैं। वहीं इस अवसर पर शानेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में शिक्षक नेता राव का महासंघ के प्रदेश मंत्री मनोनीत होने पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य मंगल कुमार मीणा के नेतृत्व में माला पहनाकर स्वागत किया गया, साथ ही मीठा करवाकर। वहीं इसी पर शानेश्वर महादेव मंदिर सिरोही में शिक्षक नेता राव का महासंघ के प्रदेश मंत्री मनोनीत होने पर पूर्व पंचायत समिति सदस्य मंगल कुमार मीणा के नेतृत्व में माला पहनाकर स्वागत किया गया, साथ ही मुंह मीठा करवाकर राव गोपाल सिंह को बधाई दी। वार्षिकोत्सव के दौरान विद्यार्थियों को दी विदाई। हेमंत अग्रवाल की रिपोर्ट के अनुसार अरठवाड़ा कस्बे के एसीबी उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 8वीं के छात्र छात्राओं को विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए समय सीमा के कार्य करें एवं समारोह में बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। इसी तरह हेमंत अग्रवाल की रिपोर्ट के अनुसार राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कामबेश्वर कॉलोनी शिवगंज में 8वीं के छात्र छात्राओं को विदाई समारोह राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गहलोत, प्रधानाचार्य प्रदेम सिंह राठौड़, सीबीओ प्रतिनिधि संदर्भ व्यक्ति फुलाराम मेघवाल, संस्था प्रधान देशाराम मीणा के आतिथ्य में विदाई समारोह संपन्न हुआ। इसी तरह भारती चौहान की रिपोर्ट के अनुसार शिवगंज उपखंड क्षेत्र के गांव पालड़ी में राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय पालड़ी एम द्वारा बालिकाओं का आशीर्वाद व विदाई समारोह का आयोजन हुआ। इसी दौरान भामाशाह रोहित की तरफ से विद्यालय को एक इन्वर्टर भेंट किया गया। वहीं मंगल मीणा ने उनकी तरफ से लाइट फिटिंग और भगवान की तरफ से ग्रीन बोर्ड भेंट किया गया। इसी तरह ध्यानचंद अदालत की रिपोर्ट के अनुसार नरादरा के पास राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय लोटीवाड़ा छोटा के आज 8वीं कक्षा का विदाई समारोह आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति व मारवाड़ी गीतों पर एक से बढ़कर एक शानदार रंगारंग प्रस्तुति दी गई। विद्यालय के बच्चों के द्वारा 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को रोली बांधकर, तिलक लगाकर, श्रीफल भेंटकर विदाई दी गई। कोरोना वायरस के बारे में किया जागरूक। ध्यानचंद अदालत की रिपोर्ट के अनुसार सिरोही जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम व आमजन को जागरूक करने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रचार प्रसार अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने ग्राम पंचायत मावल ब्लॉक आबुरड़ में विशेष ग्राम सभा में जाकर आमजन को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। सीएमएचओ डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि 8 मार्च को जिले विशेष ग्राम सभा का आयोजन हुआ। ग्राम सभा में ANM व आशा सहयोगिनी पहुंचकर आमजन को कोरोना वायरस रोकथाम के संबंध में जागरूक किया गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। महिला दिवस पर किया महिलाओं का सम्मान। लेख अहमद की रिपोर्ट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर आज आबू रोड में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन आबू रोड की महिला विंग के तत्वाधान में
सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दुर्गेश शर्मा ने बताया कि महिला सशक्तिकरण व उनके अधिकारों के प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। रेलवे में कार्यरत महिलाएं अपने कार्य को ईमानदारी व पूर्ण निष्ठा के साथ कर रही हैं। इसमें आज महिलाएं रेलवे में स्टेशन मास्टर, गार्ड, लोको पायलट, जूनियर इंजीनियर जैसे कठिन कार्य भी कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण का 140 देशों तक फैलाए प्रकाश। लेक अहमद की रिपोर्ट के अनुसार वैसे तो देश और दुनिया में महिला सशक्तिकरण के कई उदाहरण मिल जाएंगे, परंतु सिलोही जिले के माउंट आबू तथा आबू रोड स्थित ब्रह्मा कुमारी संस्थान से महिला सशक्तिकरण का प्रकाश पूरे विश्व में 140 देशों तक फैल रहा है। दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक संगठन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का वैश्विक स्तर पर संचालन माताओं बहनों के हाथों में है। 84 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई यह संस्थान खासकर महिलाओं के अंदर सशक्ति रूपा व भाव सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रहा है। आज इस संस्थान की मुख्य प्रशासनिका 104 वर्षीय राजयोगिनी दादी चांकी के मार्गदर्शन में करीब 10 लाख महिलाओं को सशक्तिकरण के राह पर अग्रसर किया है। लाखों परिवार इन महिलाओं के दिव्य कर्मों से खुशबू फैला रहा है। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।